So greetings to all of you. Hello everyone, welcome to the exam castle. And as you can see on the board, congratulations to the Team India Legends. Okay, so Team India Legends ko बहुत बहुत बधाई या टीम इंडिया लेजेंड्स ने जीत ली है आपकी द अनएकेडमी रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज 2021 और डिफीट किया है फाइनल में हमारे फाइनल्स के आर्च राइवल्स श्रीलंका लेजेंड्स को. श्रीलंका से हमारे यादगार मुकाबले हुए हैं फाइनल्स में. आपको याद ही होगा 2011 का वर्ल्ड कप फाइनल जो इंडिया ने जीता था वानखेड़े स्टेडियम में. ओके, सो जिसमें एमएस धोनी का वो जो फेवरेट सिक्स है, फेमस सिक्स है, तो सबों को याद ही है. और आज उसी तरह से सचिन तेंदुलकर जो हमारे लेजेंड है, तो उन्हें मौका मिला द अनएकेडमी रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज़ को लिफ्ट करने का. और पूरा देश इसी चीज़ का इंतज़ार कर रहा था फिर से एक बार सचिन तेंदुलकर को ट्रॉफी उठाते हुए देखने का. और आज वो जो सपना था, जो सबों का ड्रीम था, जिसका हर कोई बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था, वो पूरा हुआ और इंडिया ने फाइनल में हरा दिया श्रीलंका लेजेंड्स को. तो टूर्नामेंट जो था, आप जानते ही हो, सारे मैचेस रायपुर में कंडक्ट हुए. नया रायपुर का जो स्टेडियम है वहाँ 6 टीम्स थी, इंडिया लेजेंड्स, श्रीलंका लेजेंड्स, साउथ अफ्रीका लेजेंड्स, इंग्लैंड लेजेंड्स और विंडीज़ लेजेंड्स और बांग्लादेश लेजेंड्स. तो हॉस्पिटैलिटी बहुत अच्छी रही इवेंट की और सबों ने तारीफ़ की. मैच का जब प्रेजेंटेशन था फाइनल का, तब तिलक रत्न दिलशान ने भी बहुत ज़्यादा तारीफ़ की क्राउड की, स्पेशली रायपुर के, जिन्होंने इतना चीयर किया हमारे इंडिया के टीम को. ओके, और श्रीलंका के टीम को भी चीयर किया, बिकॉज हम इंडियन फैंस की एक खासियत है कि राइवल्स भी अगर अच्छा खेले तो हम उसे चीयर करते ही है. ओके, सो हॉस्पिटैलिटी को भी थैंक किया तिलक रत्न दिलशान ने, और सचिन तेंदुलकर ने तो बहुत ज़्यादा तारीफ़ की क्राउड की और हॉस्पिटैलिटी की. सो इवेंट बहुत स्मूथली कंडक्ट हुआ और बहुत अच्छी बात है कि हमें फिर से एक बार इंडियन कलर्स में हमारे लेजेंड्स देखने को मिले. सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, उनके साथ साथ यूसुफ पठान, इरफान पठान, ओके, और जो हमारे बाकी लेजेंड्स हैं, स्पेशली युवराज सिंह बहुत बड़े कैंडिडेट थे मैन ऑफ द सीरीज़ जीतने के भी. ओके, सो जो विंटेज युवराज है वो हमें देखने मिले इस सीरीज़ में और बहुत अच्छा लगा. आज भी उन्होंने फाइनल में बहुत अच्छा नॉक खेला, बट मैन ऑफ द मैच रहे हमारे यूसुफ पठान. ओके, और टूर्नामेंट में ओवरऑल परफॉर्मेंस, ऑलराउंड परफॉर्मेंस जो था, सो वो मद्देनज़र रखते हुए श्रीलंका के कैप्टन तिलक रत्न दिलशान को दिया गया मैन ऑफ द सीरीज़. ओके, सो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे. एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये रहा इस वर्ल्ड सीरीज़ का, श्रीलंका की जब भी मैच रही तो श्रीलंका ने कॉन्सिक्यूटिवली 7 टॉस जीते थे. ओके, और 7 टॉस जीतने के बाद हर मैच में एक ही स्ट्रैटेजी थी कि टॉस जीत के बॉलिंग लेना है और चेस करना है. और सक्सेसफुली श्रीलंका मैक्सिमम मैचेस में चेस करती भी आई थी. और जब सचिन तेंदुलकर से पूछा गया टॉस हारने के बाद कि अगर आप टॉस जीतते तो आप क्या करते, तो सचिन ने कहा कि हम टॉस जीतते तो हम बैटिंग ही लेते, बिकॉज इंडिया का जो इस पूरे टूर्नामेंट में एक स्टांस था, जो उनका एम था हर मैच में, तो ये था कि बड़ा स्कोर पहले खड़ा करो और उसे सक्सेसफुली डिफेंड करो. सो इंडिया ने वही किया आज. जो 181 रन का टारगेट था, 175 रन थे हमारे 19.5 ओवर में, और लास्ट बॉल पे इरफान पठान ने जो एक सिक्स मार दिया, सो हमारा स्कोर हो गया 181. और फाइनल्स में 180 प्लस का जो एक साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है अपोनेंट पर, तो बहुत बढ़ जाता है. तो इरफान पठान का जो स्पेशली वो सिक्स था लास्ट बॉल पे, वो बहुत अहम साबित हुआ इंडिया का जो स्कोर था उसे बूस्ट करने में. जो मैच विनिंग नॉक रहा वो तो रहा यूसुफ पठान का, बिकॉज उन्होंने जो धुआंधार बल्लेबाजी की, सो उससे इंडिया इतना बड़ा स्कोर खड़ा कर पाया, सो बहुत अच्छी बात रही. और ऑलराउंड परफॉर्मेंस रहा यूसुफ पठान का भी, उन्होंने भी बॉलिंग से बहुत मेजर जो विकेट्स थी, स्पेशली सनत जयसूर्या का, वो लेके इंडिया को गेम में कमबैक किया. सो श्रीलंका ने भी बहुत अच्छी फाइट की. एंड में जो उनके बैट्समैन थे उन्होंने बहुत अच्छा जज्बा दिखाया और बहुत क्लोज एनकाउंटर हुआ दोनों टीम्स का, और नेक टू नेक मैच में फाइनली टीम इंडिया लेजेंड्स ने जीत हासिल कर ली. ओके, सो बहुत अच्छा वैसे इवेंट था. इस इवेंट का जो मकसद था वो ये था रोड सेफ्टी को प्रमोट करना. तो जो व्यूवर्स है जो इस वीडियो को देख रहे हैं, तो उनसे भी मैं यही गुजारिश करूँगा कि आप भी जब भी रोड सेफ्टी की बात आती है तो खुद के प्रिकॉशन लो. जब भी टू व्हीलर से आप कहीं जाते हो, सो मेक श्योर आप हेलमेट पहनो. कार से कहीं जाते हो, सो मेक श्योर आप सीट बेल्ट का इस्तेमाल करो. आप सेफ रहोगे, ओके, सो आपके साथ आपकी
फैमिली भी सेफ रहेगी। तो सबों का ख्याल आपको रखना है, वी आर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स, ओके। और ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बेसिक्स अगर हम ध्यान में रखें तो हम यानी प्रिवेंट कर सकते हैं इंजुरीज़ को। अनफॉर्चुनेट अगर कोई एक्सीडेंट हो जाए किसी का तो हमें उतना नुकसान नहीं होगा, बट जो मेजर रोड सेफ्टी के रूल्स हैं ओके, सो उसे फॉलो करना है और साथ ही साथ खुद की प्रिकॉशन लेते हुए हेलमेट कंपलसरी पहनो, ओके। सो उससे सेफ्टी बनी रहेगी। बात करते हैं मैच के कुछ और इवेंट्स की। जैसा एक अनफॉर्चुनेट इवेंट हुआ कि जो हमारे बॉलर हैं मनप्रीत गोनी, इन्होंने बॉल थ्रो किया श्रीलंका के बैट्समैन के तरफ जस्ट थोड़े इंटेंसिटी में और वो जाके उन्हें लग गया और वो क्लैश होके गिर गए। सो ऐसे इंसिडेंट्स जो होते हैं, सो ये मैच को एक्चुअली कॉम्पिटिटिव रखने के साथ साथ थोड़ा यानी डेंजरस भी बना देते हैं। ऐसे इंसिडेंट्स नहीं होना चाहिए, एग्रेशन को थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए। और ये पहली बार नहीं हुआ है, आप जानते हो आईपीएल में मिशेल स्टार्च और केरन पोलार्ड, जब मुंबई इंडियंस और आरसीबी का मैच हो रहा था तो सेम इंसिडेंट हुआ था, स्टार्च ने बॉल फेंका था पोलार्ड के तरफ और वो जाके उन्हें लग गया था। तो ऐसी चीज़ें होती रहती है, बट ऐसे इवेंट्स हमें अवॉइड करना चाहिए। वही स्लेजिंग तो चलती है क्रिकेट में, आप जानती हो बहुत फेमस है, बट जो भी टसल होती है ऐसी वो कॉम्पिटिटिव होना चाहिए। जैसा आपको याद होगा पाकिस्तान के वहाब रियाज ने जो स्पेल डाला था शेन वॉटसन को वर्ल्ड कप में, सो उसमें भी काफ़ी वो कॉम्पिटिटिव था। तो वो देखने पे लगता है कि हाँ क्रिकेट नेक टू नेक हो रहा है और वो देखने में इंटरेस्ट भी आता है। और उसी के साथ साथ एक इवेंट हुआ था, बहुत पहले टेस्ट मैच हुआ था वेस्ट इंडीज़ और साउथ अफ्रीका का, ओके। उस समय विंडीज़ का नाम वेस्ट इंडीज़ हुआ करता था और किमोर रॉज बॉलर थे और बैटिंग पे थे जैक कैलिस। तो छोटा सा टारगेट चेस कर रही थी साउथ अफ्रीका, बट किमोर रॉज उन्हें बाउंसर पे बाउंसर फेंकते जा रहे थे और कंटिन्यूसली स्लेच करते जा रहे थे। तो ये इवेंट्स जो है, ऐसे इवेंट्स अवॉइड होना चाहिए। आज के मैच में भी अवॉइड कर सकते थे, बट एग्रेशन में हो जाता है। सो गेम है तो हमें स्पिरिट बना के रखना है जो कॉम्पिटिटिव स्पिरिट रहती है, बट कोई नहीं, फाइनली हॉस्पिटैलिटी बहुत अच्छी रही, इवेंट भी बहुत अच्छे से कंक्लूड हुआ ओके, और क्राउड भी बहुत ज़बरदस्त आया जिसने इंडिया को सपोर्ट किया। सो ओवरऑल बहुत बढ़िया इवेंट था और टीम इंडियन लेजेंड्स को एक बार फिर से इंडियन कलर्स में देखने का जो सपना था वो हम सबका पूरा हुआ, ओके। सो आई थिंक पहले फाइनल जो होने वाला था वो मुंबई में होने वाला था, बट बहुत सही डिसीजन रखा कि फाइनल जो था वो नया रायपुर का जो स्टेडियम है वही कंडक्ट कराया गया। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू टीम इंडिया वंस अगेन। जो मेजर फैक्ट्स रहे इस टूर्नामेंट से रिलेटेड मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, मैन ऑफ द सीरीज़ रहे तिलक रत्न दिलशान, ओके, फॉर हिज ओवरऑल परफॉर्मेंस, ऑलराउंड परफॉर्मेंस, उन्होंने 12 विकेट्स भी लिए। मैन ऑफ द मैच रहे यूसुफ पठान फॉर हिज बैटिंग एंड बॉलिंग, उन्होंने क्रूशल टाइम पर क्रूशल विकेट लिए, स्पेशली सनत जयसूर्या का, सो बहुत बड़ा विकेट था। और उसी के साथ साथ जो वर्ल्ड सेफ्टी सीरीज़ थी तो उसका जो मैसेज है आपके लिए, तो उसे फॉलो करना है, हमेशा खुद की सेफ्टी रखना है, ओके। सो ड्राइव सेफ, ओके, और इन्जॉय करते रहो क्रिकेट को और जितने भी इवेंट्स हो गए तो उन्हें इन्जॉय करते रहो। बिकॉज क्रिकेट की बात करें तो 2021 में बहुत अच्छे अच्छे इवेंट्स हैं। अभी T20 वर्ल्ड कप भी होने वाला है आपका, ओके, उसके पहले एशिया कप भी होने वाला है, सो वो भी बहुत कॉम्पिटिटिव रहेगा। सो उसी के साथ साथ IPL भी है और जस्ट इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के 3 ODIs भी होने वाले हैं। सो इन्जॉय करो एक्शन को, सेफ रहो, स्पेशली करंट सर्कमस्टांसेस में COVID-19 भी वापस आ चुका है, स्पेशली महाराष्ट्र में तो बहुत केसेस है, बट आप जहाँ भी हो अपनी प्रिकॉशन लो, मास्क पहनो हमेशा, सैनिटाइज़र यूज़ करो, 20 सेकंड तक अपने हैंड वॉश करो, ओके। जब भी आप कहीं बाहर जाते हो तो मेक श्योर करो कि पॉकेट में एक सैनिटाइज़र रखो, बिकॉज उससे दिन भर सेफ्टी बनी रहेगी, ओके। सो किसी भी फॉरेन ऑब्जेक्ट को, अननोन ऑब्जेक्ट को जब भी हम टच करते हैं सो सेफ्टी बनी रहेगी। सो सैनिटाइज़र को यूज़ करते रहो और ख़ुद की सेफ्टी रखो, बेसिक सेफ्टी कोविड से रखो और रोड सेफ्टी जो है तो उसके रूल्स भी फॉलो करो। टू व्हीलर चलाते हो तो डेफिनेटली हेलमेट पहनो, फोर व्हीलर चलाते हो तो डेफिनेटली सीट बेल्ट का यूज़ करो, ट्रैफिक के रूल्स भी फॉलो करो, खुद सेफ रहो और फैमिली को भी हैप्पी रखो, ओके। सो इन दी एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू टीम इंडिया और मैं मिलता हूँ आपसे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बाय बाय, टेक केयर एंड I wish you all the very best for all our learners, because अब कल से हमारी static GK की सीरीज यहाँ पर चलती रहेगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।